दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिंक। तो लिंक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। एमसीक्यू चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। हिंदी भाषा के अनुसार लिंक दो प्रकार से होता है, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। चलिए चालू करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं क्रिया, है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रिया कितने प्रकार के, तो ये होता है दो प्रकार। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है, तो यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, तांदुला। इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, ये बताना है। पहला है झुटलाना, मिमियाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, झुटलाना। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। माँ ने बच्चे को पिलाया, यहाँ किस कारक का उदाहरण है, ये बताना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादन कारक, तो इसका सही आंसर होगा कर्म कारक। निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है, अपनों से क्या छिपाना इसमें हुआ है कि भगवान मुझे अपना ले, मैं आप ही चला जाता, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आप ही चला जाता। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना है। तीन प्रकार के होते हैं, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है, सहायक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, नाम बोधक क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा नाम बोधक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है, ये बताना है। तो पवन है समस्त पद है, विशेषण उपवाक्य है, तो क्रिया विशेषण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम क्या है, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता, या पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले कर्ता फिर कर्म फिर उसके बाद क्रिया होगा। दही शब्द का लिंग क्या है, दही क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, दही एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और अक्षत के इन दोनों शब्दों को किन वचन के अंतर्गत रखेंगे, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण ही, ये बताना, सकर्मक है, पूर्वकालीन है, अकर्मक है या प्राणथक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, हिंदी में कारकों की संख्या कितना है, तो आठ कारक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं नाम बोधक क्रिया, बी नंबर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मोती, पंख, दही, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग वाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नांकित में से किस संज्ञा में रूपांतरित होगी, चिन्हित कीजिए, तो नदिया, नद, नाला, सरिता, इसका सही आंसर क्या होगा, नद। ठीक, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, उपयुक्त वाक्य में यहाँ और किसी शब्दों को वस्तुत किस व्याकरणिक श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए, ये बताना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।